बच्चे मैदान में क्रिकेट खेलते, तो उसमें जो सो झगड़े होते रहते, बच्चों के झगड़े होते रहते ना, वैसे एक बार झगड़ा हुआ था, समझा दिए। दूसरी बार जो सो फिर झगड़ा बच्चों का हुआ, भाई घर में जो सो अपने बिजनेस करते उन्हों, तो उनके काम में थे उन्हों, जो मसाले का बिजनेस वगैरह है उनका घर में, उसके पैकेट्स वगैरह बनाते बैठे घर में, बच्चा के बोला कि भाई को मार रहे, बोल के बोला, यानी मेरे से बड़े भाई का बच्चा है जो झगड़ा वहाँ हो रहा था। तो इन्होंने गए, अरे झगड़ा हो रहा बोल, तो छुड़ाने गए खाली हाथ, तो इनका बच्चा 16 साल का है, उन्हें वीडियो बना लिया इनका, वो वीडियो आप लोग जानते देखे होंगे आप लोग, तो वो वीडियो में क्लियर दिख रहा। तो इन्होंने जाकर क्या करे, छुड़ाने के वास्ते दोनों को ढकले, जब दोनों को ढकेलते ही फौरन ने क्या करा, पीछे स्टेप ले लेके फायर ओपन कर दिया। हम एक शक में रह गए हम लोग, उन्हें फौरन जो सो फायरिंग शुरू कर दिया, दो गोली जो सो भाई को लगे पीठ में, एक पीछे और एक सैयद जमीर साहब, सैयद जमीर वो भी एक्स काउंसलर ही थे पहले, छोड़ दिए थे सियासत में, उनको एक गोली जो सो पीठ में लगी, एक गोली पेट में लगी। फिर उनको उसी रात में यहाँ पर लाए, 1 बजे रात को लाए दवाखाने में, कहाँ निम्स में, 1 बजे रात को लाए उनको, गोलियाँ लगे हुए हैं पेट में, सुबह 10 बजे जो सो डॉक्टर आके मिले उनको, रात में बच्चे जा रहे उनको बोल रहे मार, कोई भी केयर नहीं करता, सुबह 10 बजे आके मिले उनको, 10 बजे मिलके ऑपरेशन थिएटर को लेके, कब ले गए, 12 बजे ले गए, 12 बजे ऑपरेशन को ले गए उनको, वो पॉइजन पूरा फैल गया था उनको, उसका इंस्ट्रक्शन होगा उनको, आज जान चली गई उनकी। आप किसको जिम्मेदार ठहरा रहे? गोलियों से ही मरे उन्होंने, तो फारूक ही जिम्मेदार है ना, फारूक मारा, दुनिया देखी, सबको मालूम है उसका क्लियर जो वीडियो चल रहा, तो पूरे हाल चैनल से चला रहे उसके बाद आप बोले डॉक्टर्स की लापरवाही, डॉक्टर की 100% लापरवाही की वजह से छुआ है मामला। डॉक्टर अगर जब भी जो एक्शन ले लेते तो हो सकता है इंशाल्लाह जो जब का जब, आज तक मेरे मैं भी डिपार्टमेंट का हूँ, उनको आज ऐसे कई केसेस में देखा जो इंजुरी से गोली लगी उनको इमीडिएटली निकालने के बाद वो लोग अच्छे हुए, मतलब पहला केस है। कितने गोलियाँ लगी इनको? 2 गोलियाँ लगे। क्या नाम है उनका? सैयद जमीर। कहाँ लगे थे 2 गोली? एक गोली पीठ में लगी थी पीछे, एक गोली साइड में लगी थी किडनी की तरफ लगी थी करीब में, दूसरों को भी गोलियां लगी हाँ, और एक सैयद मोहतशिम उनको इमीडिएटली वहाँ निकाल दिए, यहाँ पे लाए थे उनको भी। अच्छा। लेकिन उसको कैसा था बोलते, वो हड्डी के ऊपर लगी थी गोली, बेल्ट पे लगी थी। अच्छा। तो उससे क्या हुआ, बच्चे को तकलीफ बहुत थी, मगर कम उम्र बच्चा था। अच्छा। वो बच्चा बर्दाश्त कर लिया, फिर उसको भी ऑपरेशन वही टाइम पे करे, निकाल दिए उसको, डिस्चार्ज कर दिए उन्हें, अदलाबाद में घर पर है बच्चा। इनकी क्या एज थी जो? इनकी 62 ईयर्स। और एक भाई जो थे तलवार का मार जो लगा उनको जो 53 एज थी। इन्हों अकेले ही करे या इनके साथ कुछ लोग थे और भी? नहीं, इन्हों अकेले, फारूक के साथ में उसके दो साल, एक साला एक भांजा दामाद, वो तीनों लोग थे वो लोग, वैसे भी उसके साथ में दूसरे लोग भी आए थे, ऐसा प्री प्लान आए वो लोग, इनको नहीं मालूम था, सडन चले गए इन्हों खाली हाथ थे। तो आप लोग देख रहे हो ना वीडियो के अंदर दिख रहा, खाली हाथ थे ये डिफेंस हो गया। नहीं, फारूक से हमारी कोई दुश्मन नहीं थी, फारूक को कभी हम खिलाफ गए नहीं, बच्चों के मामले में बाता हुए एक बार बोल दिए, हम हमारे बच्चे को जो से तेरा बच्चा मारा अच्छा नहीं मिला ठीक है बोले, दूसरी बार भी इमीडिएटली जो झगड़ा हुआ इसी, अरे रिश्तेदार आएंगे फारूक कुछ नहीं, बस हमारे हमारे मोहल्ले में काउंसलर जीता उन्हें पता ही। फ्लाई USA, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, उमरा पैकेजेस, International and domestic ticketing and passport services approved by ITA. Supreme Air Travel Services, a trusted name in air travel services. Backside, Hajj House. Contact 888-555-66786.